हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने लास्ट स्टेज में आ चुकी है। अब कुछ ही मैच बचे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टूर्नामेंट के 57 मुकाबले के बारे में, जो कि एक तरफ केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें पैट कमिंग्स की सनराइजर हैदराबाद देखने को मिलेगी। दोनों ही टीम इस वक्त टॉप 5 में स्टेबल है। इन दोनों की टक्कर हमेशा रोमांचक होती है। यह मैच आपको 8 मई को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 3 मैच खेले गए, जिसमें से लखनऊ 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर हैदराबाद 0 मैच जीत के आ रही है। तो आगे बात करते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे हैदराबाद के पिच बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पे हमेशा बैटर्स को हेल्प मिलती है। इस मैच में दोनों एक तरफ से चौके छक्के खूब देखने को मिलेंगे, हाई स्कोरिंग मैच भी मिल सकते हैं। यहाँ पे आईपीएल इतिहास का सेकंड हाईएस्ट स्कोर 277 रन बनाए थे। वहीं बॉलर्स के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं है। तो अगर बात करते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 43% रहेगा और टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 40% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 59% जीतने का चांस है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम टूर्नामेंट में अब तक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है धीरे धीरे से, लेकिन टीम ने रफ्तार पकड़ी है, उसका असर पॉइंट टेबल में दिख रहा है, लेकिन टीम लगातार जीत नहीं पा रही है। लास्ट गेम में टीम को कोलकाता से बड़ी हार मिली, टीम ने 11 मैच खेलकर सिर्फ 6 ही मैच में जीत हासिल की है। वहीं लास्ट गेम में जहाँ बैटिंग फ्लॉप थी, ओपनिंग में बात करेंगे केएल राहुल उतरे, जो कि 431 रन के साथ राहुल टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। वहीं पर मिडिल ऑर्डर जो कि स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, जहाँ पर मार्कस स्टोनिस, निकोलस पुरन भी लगातार रन बना रहे हैं। वहीं पर डीकॉक के जगह आए थे स्टोन टर्नर, जो कि अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। इनके अलावा आयुष बदोनी, दीपक हुडा, जो अब तक टच में नहीं दिखे। वहीं टीम की बॉलिंग अब तक अच्छी नहीं रही है, यहाँ पे नवीन उलहक जो कि लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे, मोहसिन खान जो कि इकोनॉमिकल स्पेल डाल रहे हैं, वहीं पे यश ठाकुर जो कि 11 विकेट के साथ टीम के टॉप विकेट टेकर भी है। वहीं पे स्पिन बॉलिंग में जहाँ पे रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या जो कि 9 लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे मयंक यादव फिर से टीम से बाहर हो गए हैं। अब बात करते हैं लखनऊ का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि क्विंटन डीकॉक है, केएल राहुल है, दीपक हुड्डा है, निकोलस पुरन है, आयुष बदोनी है, मार्कस स्टोनिस, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, नवीन उल्लक है, मोहसिन खान है, यश ठाकुर। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें जो कि अश्विन कुलकर्णी है, एम सिद्धार्थ, अमित मिश्रा, के गौतम, अर्षद खान है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि केएल राहुल है, निकोलस पुरन है, यश ठाकुर है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यानी दूसरी टीम हैदराबाद का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे पैट कमिंग और ट्रेविस सेट के आने से इस साल हैदराबाद टीम ने टूर्नामेंट अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ी है। टीम ने ऑक्शन में सही प्लेयर को परचेज किया है, उसका रिजल्ट अब सामने मिल रहा है। टीम के बैटर्स आग उगल रहे हैं, मैच में नए नए रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। ओपनिंग में बात करें जो कि ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा टीम के लिए अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, हेड ने अब तक 396 रन के साथ टूर्नामेंट का लीडिंग रन स्कोरर भी है। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे एडम मक्रम, हेनरी क्लासन जो कि अटैकिंग बैटिंग भी कर रहे हैं, जहाँ पे लो ऑर्डर में नीतीश रेड्डी टीम के ट्रम्प कार्ड है, जहाँ पे शहबाज अहमद, अंश, अब्दुल समद भी हार्ड हिटिंग एबिलिटी रखते हैं। वहीं बॉलिंग में बात करेंगे, थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, टीम ने 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैदान में उतर दिया, जहां पे लास्ट गेम में मार्को जॉन्स को चांस मिला था लेकिन वो फ्लॉप चले गए। वहीं पे भुवनेश्वर कुमार जो कि धीरे धीरे फॉर्म पकड़ लिए, पैट कमिंस 10 मैच में से 12 विकेट ले चुके हैं, वहीं पर नटराजन जो कि अब तक 15 विकेट के साथ टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है, जहाँ पे लास्ट गेम में मयंक मारकंडे बाहर थे, जयदेव भी विकेट दिला रहे हैं। तो आगे बात करते हैं इनके हैदराबाद के प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड है, एडम मक्रम, हेनरी क्लासन, अब्दुल समद है, शवाब अहमद है, नीतीश रेड्डी है, टी नटराजन है, जयदेव है, पैट कमिंग्स और मयंक मारकंडे है। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें जो कि अनमोलप्रीत सिंह है, उमरान मलिक है, वाशिंगटन सुंदर है, ग्रैन फिलिप्स है, भुवनेश्वर कुमार है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि ट्रेविस हेड है, निकलासन और टी नटराजन है। फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। तो हमारी अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर हैदराबाद होगा, यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।